बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बिरयानी से सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ सब लोग ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे, खुशबाश होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है, अपने वीरे का चैनल अपना वीर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। रात हम आ गए थे वापस और बारिश भी रात हुई है। अभी कुछ बादल हैं, अभी भी आसमान पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी फुहार आ रही है। तो अभी नहा के आता हूँ तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जाना है शॉप पे ही, तो मैं आज फतेहपुरी जाऊँगा और शाम को फिर या कल सुबह को जाऊँगा फिर मैं वापस लिया जी। तो अभी जो सीन होंगे रास्ते में आपके साथ वो शेयर करता हूँ और उधर की जो एक्टिविटी थी हमारी वो भी छोटे छोटे क्लिप की सूरत में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह बहुत। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी है ये मेरी आज की वीडियो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ के जो सीन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है और साथ ही है जी वो ज़मीनें वगैरह लोगों की ग्रीनरी है तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके लोगों के साथ। अभी जल असल लोगों के भाई के ये लेंटर आपको दिखाया था जो डल गया था ऊपर, वो भी काम शुरू किया हुआ है मिस्त्री ने और आज छुट्टी कर गए हैं मिस्त्री क्योंकि मौसम की वजह से हल्की हल्की सी फुहार आ रही है, काम नहीं कर सकते। काम करेंगे तो फिर जो किया है वो ज़ाया भी हो सकता है बारिश की वजह से। मतलब कि मिस्त्री ने जो सीमेंट वगैरह का जो काम करना होता है, ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह सारा कुछ यूज़ करना होता है तो बारिश की वजह से वो सारा ख़राब हो सकता है, इसलिए आज वो छुट्टी कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी। तो शुरू करते हैं जी। ठंडी हवा चल रही है जी, भाई देवी तो उदन माशाल्लाह रोटी के साथ ही रास्ता नहीं आ रहा
ये है जी कुल्फ़ी देसी स्टाइल के, खोए वाली कुल्फ़ी भरी जा रही है जी। ये रास्ते में सीन आया था, सोचा शेयर करूं आप लोगों के साथ भी। ये लग गई है जी, ये सारी कुल्फियाँ लगी हुई हैं। बर्फ़ है इसके नीचे, और एक कितनी देर ठंडियाँ हो जाती हैं सारियाँ, कितनी देर में ये हो जाती है, मतलब कि बर्फ़ में रखने का? 10 मिनट में, 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है कुल्फ़ी। क्या बात है, इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई है आपने? ये मतलब कि ये मवाद जो है बनाया आपने, ये किस किस चीज़ का है? दूध है, दूध, चीनी, गिरी बादाम, मतलब कि फुल इंजॉयमेंट है। क्या बात है, ये तीखा लग रहा है। सर जी वो बंदे का की हिसाब है, वो बंदे का की हिसाब है, मैंने वो दस दे बस चढ़ जाए, वही बंदे का की हिसाब है। बाहर आ गया, वो पीछे पीछे आ जा रहे हैं। सलोन मन नहीं हैगी, वैसे ही आ जाओ, आ जाओ, मैं थक गया। ओके ओके ओके, ए यस। कैसा लगा हमारा ये टूर का जो छोटा छोटा क्लिप आपको दिखाया मैंने? तो पंजाबी बैठक के ऑनर हैं जी अब्बास भाई और शुएब भाई सोनावीर, इनसे पूछते हैं इनका टूर कैसा रहा। हाँ जी शुएब भाई, आपका टूर कैसा रहा? टूर तो मज़ेदार रहा यार, बस एक ही अफसोस है कि 4 मिनट नहीं जा सके। वो उसमें रास्ता बंद हो गया था, बस आज करीब पहुंच गए हम वापस आ गए, करीब पहुंच के वापस आए। ये बहुत बड़ा जो कहते हैं कि धचका अरमान, अरमान दिल के अरमान दिल में ही रह गए, वो वाला सीन हो गया। तो अब्बास भाई आपका? हाँ जी माशाल्लाह वैसे जबरदस्त रहा टूर, लेकिन बस अफसोस कि जो माहौल सी वो एक ही बस वो सिर्फ रह गया था, वही सिर्फ फोर चले जाते, फोर मान लो तो चासा जाने चासा जाने थी है। ते वैसे सब तो ज्यादा अहम होते अपना खाना से खाना, बिल्कुल माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह टेस्टी खाना से फंक्शन जो कर लिया ना हमने वहाँ पे खाने का, इससे हमारे वो फोर मैनो ना जाने वाला जो सीन था ना वो कुछ 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 कवर कर लिया, एंजॉय कर लिया, एंजॉय कर लिया। तो मज़ीद मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए सोनावीर पंजाबी बैठक और अपने वीर को इजाज़त, रब रखा, अल्लाह निगहबान जी।